Hello everyone and welcome to Left Brain Logical Learning. So here we are going to discuss case study question of class 10 maths chapter 1 real numbers. These questions are available on official website of CBSE. So here is case study 1. To enhance the reading skill of grade 10 students, the school nominates you and two of your friends to set up a class library. There are two sections, section A and section B of grade 10. There are 32 students in section A and 36 students in section B. Okay, so there is 5 questions related to this case study. So let's start with question number 1. So question number 1 is, what is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A or section B? Okay. तो हमें इसमें ये बताना है कि उस लाइब्रेरी के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी चाहिएंगे कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए. ओके, सो सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स थे? सेक्शन ए में हमारे पास में थे 32 स्टूडेंट्स एंड सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट. ओके, सो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी हमें रिक्वायर होंगी ये करने के लिए हम क्या करेंगे, 32 और 36 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे. ओके, सो 32 एंड 36 का हम एलसीएम निकालेंगे. 216 आर, 218 आर, नाउ 28 आर एंड 29 आर 18. नाउ 8 एंड 9 बोथ आर द कोप्राइम नंबर, सो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 8 × 9, दैट इज इक्वल टू 288 बुक्स. सो हमें कितनी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, 288 बुक्स. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36 इज. ओके, सो यहाँ पे हमें 32 और 36 का एचसीएफ निकालना है. सो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा, 32 × 36, और एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है. एलसीएम हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था और हमारी वैल्यू क्या आई थी, 288. ओके, नाउ एचसीएफ क्या हो जाएगा, 32 × 36 डिवाइडेड बाय 288. ओके, सो नाउ यहाँ ये 4 से कट जाएगा, 4 × 9 = 36, 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8, 9 × 8 = 72, and 8 × 4 = 32. So HCF की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, 4. So हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, B, 4. Okay? Now question number 3 is, 36 can be expressed as a product of its prime as. Okay? So यहाँ पे हमें क्या करना है, 36 का prime factorization करके वैल्यू निकालनी है. सो 36 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 × 18 = 36, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, and 3 × 1 = 3. तो प्राइम फैक्टराइजेशन पे हमें क्या मिला है, 2 × 2 × 3 × 3. ओके, सो 2 2 times आया तो ये क्या हो जाएगा, 2² और 3 भी 2 times आया तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 3² सो हमारा आंसर क्या आया, 2² × 3², सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, 7 × 11 × 13 × 15 + 15. ओके, सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट या नन ऑफ द अबव, हमें ये बताना है. ओके, सो अगर हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देन 15 से ऐड करेंगे तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, सो आई विल शो यू टू शॉर्टकट ट्रिक्स. ओके, सो फर्स्ट ट्रिक में हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इन्हें हम क्या कर लेंगे, एज्यूम करेंगे कि दिस इज m. सो m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 11 × 13. ओके, सो नाउ अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 15m + 15. ओके, नाउ यहाँ पे हम 15 कॉमन ले सकते हैं. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 15m + 1. नाउ अब इस इक्वेशन से ये क्या शो हो रहा है कि ये जो कोई भी नंबर है उसका 15 भी फैक्टर है. सो प्राइम नंबर जो होते हैं उनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 and itself. ओके, सो इसका मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर. ओके, नाउ सेकेंड ट्रिक हम ये भी कर सकते हैं
कि इनकी जो यूनिट प्लेसेस हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर लें, जस्ट यूनिट प्लेसेस को, लाइक 7 × 1 × 3 × 5. ओके, सो ये किसके बराबर हो जाएगा? 105. ओके, ना अब हमें इसमें ऐड क्या करना है, ये जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें हमें किस क्या ऐड करना है, 15. ओके, सो 15 की यूनिट प्लेस क्या है, 5, और इसके यूनिट प्लेस हमारे पास क्या है, 5. सो 5 प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगा, 10. मतलब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी, 0. और किसी भी नंबर की अगर यूनिट प्लेस 0 है तो वो नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर. सो इससे भी हमारा आंसर क्या आता है, कंपोजिट नंबर. सो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट इन द क्वेश्चन नंबर 4. Question number 5 is, if P and Q are positive integers such that P is equal to AB square and Q is equal to A square B, where A, B are prime numbers, then the LCM of P and Q is, okay? So, यहाँ पे हमें P and Q का LCM find out करना है. So, P क्या given है हमें? AB square and Q is A square B, okay? So, इन दोनों का LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें राइट डाउन कर लेंगे. सो यहाँ पे P एंड Q में क्या क्या टर्म्स हैं, A एंड B. ओके, नाउ अब इन टर्म्स की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे A की हाईएस्ट पावर है 1 और यहाँ पे है 2. सो हाईएस्ट पावर क्या हो गई हमारे पास, A square. नाउ B की पावर है 2 और यहाँ पे है 1. सो B की भी हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2. ओके, सो हमें क्या मिला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर. सो हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.